दोस्तों, अगर आपके पास मोटोरोला एज 55G फ़ोन है तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि इस फोन में जो यहाँ पर क्लॉक दिखाई दे रही है, जो घड़ी दिखाई दे रही है, टाइम दिख रहा है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या क्या शो कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको करना कैसे है। आपको अपने फ़ोन में कहीं भी होम स्क्रीन पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको जाना है विजिट वाले ऑप्शन में। देखिए यहाँ विजिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो विजिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको विजिट मिल जाएंगे। जैसे देखिए मोटो पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें दिखानी है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कैलेंडर लगाना है, ऐप लॉक, क्रोम क्लॉक, यहाँ वेदर का, आप अगर वेदर का लगाना चाहते हैं तो देखिए वेदर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारा तरीके से आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर ये वाला जो वेदर है ये पसंद है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है और यहाँ अपना शहर भी दिखेगा, डेट भी दिख रही है, कितना टेम्परेचर है, यहाँ विंड वेलोसिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर सूर्य भी बना हुआ है, बादल बने हुए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो हम ये वाला अगर लगाना चाहते तो कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। और ये देखिए लॉन्ग प्रेस करते ही आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से छोड़ देना है और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज बन के आ गया है। यहाँ पर देखिए आपके जो नोटिफिकेशन, ये जो ऐप आइकन थे वो इधर थे, लेकिन ये नया फ्रेश पेज बन गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाने के लिए ये वाला जो टाइम यहाँ पर दिख रहा है इसको हटाना है। पहले यहाँ हटाने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और हटाने के लिए इसको या तो रिमूव कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर लाकर हम इधर छोड़ देंगे। और ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको उठा करके आगे ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कितना अच्छा लगने लगा है, देखिए इस तरीके से आप कोई भी विजेट वहाँ से यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेट कर पाएंगे।